जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना आज के समय में काम चलना भी मुश्किल है। और पैसों के बिना ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का सिर्फ मान सम्मान नहीं होता है, पैसों के बिना व्यक्ति का खुद का आत्मसम्मान भी खत्म हो जाता है। पैसों के बिना व्यक्ति का जो खुद पर जो विश्वास होता है, जो भरोसा होता है, जो आत्मविश्वास होता है, वह भी व्यक्ति का खत्म हो जाता है। जब भी वो कोई काम प्रारंभ करने के लिए जाता है, तो ऐसे में उसका सबसे पहले खुद पर भरोसा होना अति आवश्यक है। लेकिन जो व्यक्ति निर्धन है, जिसके पास में पैसा नहीं है, उसे खुद पर ही भरोसा नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सबसे पहले खत्म हो जाता है। तो ये व्यक्ति कुछ भी नया नहीं कर पाता है। तो यदि जिस किसी भी व्यक्ति के पास में ऐसा हो गया हो कि बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो कोई उपाय नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एवरीडे सुबह और शाम लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। सिर्फ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, कोई धूप दीप नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी जगह एक जगह बैठ जाए, सवेरे सूर्योदय के समय और संध्या के समय, दो समय बैठ करके लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस वापस दोबारा लौट आएगा और धीरे धीरे उसकी धन संबंधित सारी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये उपाय भी नहीं कर पाता है, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूँ कि यह उपाय करने से व्यक्ति के घर में दोबारा से माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति निर्धनता को बहुत पीछे छोड़ कर धनवान बन जाएगा। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, एकदम निर्धन है, कोई उपाय नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति ये उपाय करें। ये उपाय करने से अति शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति पर बरसेगी। माता लक्ष्मी इस उपाय से अति प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, माता लक्ष्मी उसके घर में बस जाती हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाता है। ऐसा व्यक्ति देखते ही देखते पैसों में खेलने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुक्रवार की रात्रि को जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, उस समय आप ये उपाय करें। और जब भी आप कोई उपाय करते हैं, तो ये बात खास ध्यान रखें कि उस समय स्वच्छ होकर के उपाय करें। हमेशा कोई भी उपाय करने के लिए जा रहे हैं, तो तन और मन दोनों से ही स्वच्छ हो जाए। मन में भी किसी भी तरह के, यदि किसी के प्रति क्रोध है, कोई ऐसी चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है, तो सबसे पहले उसको दूर कर दें। किसी भी तरह की नकारात्मक, यदि आपके मन में यह नकारात्मक बात भी आ रही है कि ये उपाय करने से होगा या नहीं होगा, तो इस विचार को भी अपने मन से दूर कर दीजिए। क्योंकि जो नेगेटिविटी है, यही व्यक्ति को सफल नहीं होने देती है। और यह नकारात्मक शक्ति यदि आपके अंदर जरा सी भी है, थोड़ी सी भी है, तो उसको दूर कर दें। और जिस समय आप उपाय करने के लिए बैठ रहे हैं, संपूर्ण विश्वास के साथ में, एकदम भरोसे के साथ बैठें कि इस उपाय से आपको फ़ायदा होगा ही होगा, एक बात। और दूसरा बात, यदि आपके मन में किसी के भी प्रति, किसी भी तरह की यदि कोई नेगेटिविटी है, किसी के प्रति कोई क्रोध है, या कोई भी भाव है ऐसा जो नकारात्मक है, तो उसको दूर कर दें। यदि किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, किसी से आप दुखी भी हैं, तो उस भाव को भी जब उपाय करने के लिए बैठते हैं, तो दूर कर दें। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि शुक्रवार की रात्रि को आपको ये उपाय करना है जब आप सोने के लिए जा रहे हैं। तो क्या करें, माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने सिर के पास रखें, लेकिन ऐसे रखें कि सोते वक्त आपका हाथ या पैर, कोई कुछ भी चीज़ उनको टच ना हो, आपका शरीर उनको टच ना हो, इस तरह से अपने सर के पास कुछ दूर पर उनको रख दें और फिर वहाँ पर आप सोएं। और क्या करें, एक किसी पात्र में आप जल ले लें और उसमें एक गुलाब का फूल रख दें, माता लक्ष्मी के पास तस्वीर रख दें, उसके पास में एक कटोरी में आप जल ले लें, हो सके तो कांच का पात्र लें, नहीं हो सकता है तो कोई भी पात्र ले लें, और उसमें जल लेकर के एक गुलाब का पुष्प रख दें और सो जाएं।
सात शुक्रवार इस प्रयोग को करें, शुक्रवार शुक्रवार इस प्रयोग को करें, सात शुक्रवार इस प्रयोग को करें। चाहे कितनी ही भीषण गरीबी में व्यक्ति क्यों नहीं जी रहा होगा, ऐसा माना जाता है कि ये उपाय करने से माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के घर में बस जाती हैं, फिर दोबारा कभी भी ऐसे व्यक्ति को निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा फिर पैसों में खेलता है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। तो संपूर्ण विश्वास के साथ में शुक्रवार की रात्रि को सोते समय इस उपाय को करें। ये उपाय चमत्कारी है और इस चमत्कारी लाभ देने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।